वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग एट्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.10 में क्वेश्चन नंबर 7 का अपलोड इन प्रोसेस है. द नेम ऑफ द टॉपिक इज फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस. The denominator of a fraction is 5 more than the numerator. But if we subtract 2 from the numerator and the denominator of the fraction, we get 1 upon 6. Find the fraction. सबसे पहले हम जो unknown को find करना चाहते हैं, उसमें उसको हम लेट करेंगे. लेट द न्यूमरेटर इज एक्स और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर आपका होगा इट विल बी एक्स प्लस 5. एक्स प्लस 5 will be the denominator. अभी देखें जो fraction है वो numerator ऊपर लिखा जाता है और denominator नीचे लिखते हैं. The fraction will be x upon x plus 5. अभी question की condition के मुताबिक if 2 is subtracted from both numerator and the denominator, x is the numerator और इसमें से अगर 2 हम subtract करेंगे it will be x minus 2. Similarly आपके पास denominator जो है x plus 5 है. अब x plus 5 इसमें से भी हम minus 2 करेंगे it will be x plus 3 हो जाएगा, क्योंकि plus 5 से 2 को जब subtract करेंगे तो it will be x plus 3. जो न्यू फ्रैक्शन हमारे पास आई है इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन इज दैट x माइनस 2 न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 जो के डिनोमिनेटर है, और हम न्यू जो फ्रैक्शन हमें मिलती है वी विल गेट 1 अपॉन 6. इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. एक्स को सॉरी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 2 के साथ. ये आप देख सकते हैं 6 इनटू एक्स माइनस 2, और इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 3 के साथ 1 इनटू एक्स प्लस 3. नेक्स्ट अब में 6 1s आर 6 6x और 6 2s आर 12 1 1s आर 1x 1 3s आर 3. देन 6x और इस x को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और माइनस 12 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा. इट विल बी 5x 6 माइनस 1 5 होते हैं, 3 प्लस 12 जो है वो आपके पास बन जाएंगे 15. तो 5x इज इक्वल टू 15. आपने x फाइंड करना है, 5 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर लें. इट विल बी 15 डिवाइड बाई 5, द आंसर विल बी 3. एक्स का आंसर आपके पास आ गया है जो कि 3 है. अब आपको पता चल गया कि न्यूमिरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी 3 और डिनोमिनेटर विल बी 3 प्लस 5, क्योंकि 5 उसमें हम न्यूमिरेटर में ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाता है. तो इट विल बी 3 प्लस 5 8 मिल जाएगा हमें. तो हम फ्रैक्शन की जब सूरत में लिखेंगे इसको तो इट विल बी 3 अपॉन 8. ये हमारी डिजायर्ड फ्रैक्शन है. इसको अगर आप
रिव्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन भी कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें। अगर मेरे अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग चाहिए तो उसके लिए मेरी सेल नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज 0321-5838-264। थैंक यू वेरी मच।